अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रमन, ये क्या कर रहा तू? बस भाई, अब और नहीं, इस लड़की की कोई कहानी नहीं सुनूंगा अब मैं। नहीं रमन जी, हम आपको कोई कहानी नहीं सुना रहे। हम हमें सच में इस कमरे में बंद कर दिया गया था। हमें ना काजू का फोन आया था, उसने हमें कहा कि वो बहुत परेशान थी मैं, इसीलिए हम इस कमरे में। अच्छा, कहाँ है काजू? हाँ, कहाँ है? हम नहीं जानते, जब हम आए थे वो यहाँ नहीं था। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही आया है। काजू, काजू तो अच्छा क्या कि तू यहाँ आ गया। अब जल्दी से इन सबको बता कि तूने हमें कॉल किया था। पर मैंने तो कोई कॉल किया ही नहीं। नहीं नहीं काजू, हमें अच्छे से याद है, तूने हमें कॉल किया था। तू ऐसे क्यों बोल रहा है अनमोल? तू मान क्यों नहीं रही है? मैंने तुझे कोई कॉल नहीं किया था। काजू, हम तुझे अच्छे से जानते हैं, तू हमारा दोस्त है, तू कभी झूठ नहीं बोलता, फिर तू आखिर क्यों ऐसा कर रहा है? बता देना सबको कि तूने हमें कॉल किया था। बस करो अनमोल, और कितना झूठ बोलोगी? अब तो तुम्हारे पक्के दोस्त ने भी हाथ खड़ा कर लिया, अब तो अपना असली चेहरा दिखा दो। रमन जी, हमें सच में गुंडों ने पकड़ा था। अनमोल, तुम्हें गुंडों ने नहीं बल्कि तुमने भाई को पकड़ा था, वो भी अपनी मर्जी से। रमन जी, अब कहना क्या चाहते? यही कि तुम्हारे और भाई के बीच में कोई रिश्ता है जिसे तुम पूरी दुनिया से छुपाना चाहती हो। रमन, ये क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है? उस पर क्यों चिल्ला रहे हो रजत? उसकी कोई गलती नहीं, वो सच तो कह रहा है। तुम और अनमोल स्टोरूम में क्या कर रहे थे? रमन, अनमोल बिल्कुल सच कह रहे, वो गुंडों के बीच में फंस गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो ये समझ नहीं आता कि अनमोल को ढूंढते हुए तुम्हें क्यों पहुंचते हो? कोई और उसकी मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचता? रजला, तुम बात को कहीं और मत लेकर जाओ। मैं बात को कहीं और नहीं लेके जा रही हूँ। जो सच है ना, वो बात अब हम सबके सामने आ चुकी है। और सच ये है, ये लड़की धोखेबाज है। जिस दिन से मेरी जिंदगी में आई है ना, सिर्फ जहर घोल रही है और मेरे पति पर डोरे डाल रही है। रजुला, खबरदार जो अनमोल के बारे में ऐसी बात की तो, उसने ना ही किसी की जिंदगी में जहर घोला है, ना ही वो धोखेबाज। ये धोखा नहीं तो और क्या है? इसकी शादी मुझसे होने वाली है और ये रंग रलिया आपके साथ मना रही है। रमन, शर्म आ रही है तुझे? अरे तू अनमोल के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? भाई,
मैंने तो अब तक सोचा भी नहीं, सिर्फ बोला है, लेकिन ये लड़की तो छी। अब मुझे सब साफ साफ दिख रहा है, जब मैं यहां नहीं था ये लड़की अपना अकेलापन दूर करने के लिए आपके कंधे का इस्तेमाल कर रही थी। और जब मैं आ गया हूं इसने शादी के लिए भी यहां कर दी। इसे तो एक ही घर में दोनों हाथ में लड्डू मिल गए। हद में रहकर बात करो रमन, कैसे घटिया बातें कर रहे हो तुम अनमोल के बारे में। मम्मी मैं तो घटिया बात कर रहा हूं लेकिन ये लड़की तो घटिया है। कभी भाई के बाहों में मिलती है तो कभी भाई के साथ कुछ छर्रे उड़ा रही होती है। मेरी गैर हाजिरी में बहुत मजे किए हैं इसने। तभी तो ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि इसे मेरे साथ रहना है या भाई के साथ। सुमन जी अब हमारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको हमारे ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? जो लड़की कदम कदम पे भरोसे की धज्जियां उड़ाती हो वो भरोसे की बात कर रही है। और क्यों ट्रस्ट करूं मैं तुम पर जबकि तुमने 30 का व्रत भाई के लिए रखा था। और मुझे बताया तक नहीं, और जब बताया तो एक कहानी जड़ दी तुमने। क्या अनमोल ने 30 का व्रत हजब के लिए रखा था? हाँ भाभी, इसने व्रत मेरे लिए नहीं भाई के लिए रखा था। क्यों अनमोल, बताओ ना सबको कि सच क्या है। रमन तू अनमोल को गलत समझ रहा है। अब जाके मैं इस लड़की को सही सही समझाऊं। चलो ठीक है अनमोल, तुम ही हमारी गलतफहमी दूर कर दो। बताओ सबको कि सच क्या है कि तुमने व्रत भाई के लिए रखा था मेरे लिए नहीं। देखो आ गई सच्चाई सबके सामने। तभी इसने हम सबका व्रत तोड़वाया ताकि हम सबके साथ साथ मृदुला का भी व्रत टूट जाए। नहीं चीची, ऐसी बात नहीं है। रजत के लिए व्रत रखने के लिए हमने कहा था और फिर आप सब लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए दोनों ने। परफेक्ट, तो मेरी क्या जरूरत है, ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, करा दो दोबारा शादी इनकी। हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं, हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और ये बात आप हमारी आंखों में देख सकते हैं। इसके अलावा अनमोल, डोंट टच मी। अब मैं तुम्हारी कोई भी बातों में नहीं आने वाला, बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारा। सुनी सुनाई बात फिर भी नकारी जा सकती है लेकिन आंखों देखी बात उसे झुठलाया नहीं जा सकता। मेरे पीठ पीछे आप लोगों ने पता नहीं कितनी अयाशिया की और ऐसी गिरी हुई लड़की के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। सारी बातें कहकर तू ना सिर्फ अनमोल के चरित्र पर बल्कि अपने भाई के चरित्र पर भी उंगली उठा रहा है। क्या तुझे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? भाई जिसकी शादीशुदा जिंदगी पहले से हिली हुई हो उसकी नियत फिसलने में
जरा सा भी टाइम नहीं लगता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। रमन, अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना दंगल प्ले पर टीवी से पहले।